दोस्तों, जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम हुआ था 23/5/2021 को, और जिसकी प्रोविजन लिस्ट आई थी, उस लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, और 3 गुना लोगों को पास किया है। उन 3 गुना में सभी का आई थिंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं। तो सभी की मैंने PDF कैटेगरी वाइज, हर कैटेगरी वाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग अगर देखना चाहो, और आपने अभी तक अगर नहीं देखी है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और लिंक दे रखे हैं मैंने। और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ आता है तो फिर हम अपडेट करते रहेंगे कि किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे और क्या क्या चीज़ ले जाना कंपलसरी होगा वहाँ पे। तो जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर जिनका नहीं हुआ जिस बच्चे का, तो उसको ज़्यादा सोचना नहीं है, इतना टफ कंपटीशन नहीं है इसका, आप नेक्स्ट टाइम 100% आप इसको कवर कर लोगे। तो कंटिन्यू स्टडी रखनी है बस ये चीज़, और बाकी नर्सिंग अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और स्टडी भी, अगर आपको नर्सेज क्लासेस चाहिए और स्टडी चाहिए, तो आप, अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और वैसे भी हमारी जो क्लासेज है नर्सिंग की, वो कंटिन्यू चल रही है। चलो देखते हैं किस किस कैटेगरी में कितने कितने बच्चों को पास किए, और लोवेस्ट और हाईएस्ट इनकी कहाँ तक रही है इसकी कट ऑफ। मतलब अगर किसी के नंबर सेम आ रहे हैं तो उसमें जिसकी डेट ऑफ बर्थ या जो एज के अंदर बड़ा है उसको प्रायोरिटी दी गई है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो ओपन का जो रहा है, ओपन की जो टोटल 140 सीटें थी, जिसमें 420 लोगों को बुलाया इन्होंने, और इसकी जो कट ऑफ रही है वो 110 से 62 तक रही है। उसके बाद ओपन फीमेल की 56 पोस्ट थी, जिसमें से 168 को पास किया है, और इसकी जो कट ऑफ रही है वो 109 से 68 तक रही है, यानी 109 हाईएस्ट गया इसमें और 68 लास्ट गया। हो भी सकता है कि जिस बच्चे का 68 आया हो, उसका एक का हो गया और एक का नहीं हुआ। वो ऐसा है कि अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट अगर सेम नंबर के मिल रहे हैं इनको, तो उनमें से जिसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी है या जो एज के अंदर ज़्यादा है, यंगर को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। जो एज के अंदर बड़ा है, जो एल्डर है, उसको प्रायोरिटी दी गई है, यंगर को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो जनरल EWS का कैंडिडेट थे, जो जिसकी टोटल जो वैकेंसी थी 35 थी, जिसमें से 105 लोगों को इन लोगों ने एलिजिबल किया है और शॉर्ट लिस्ट में, और जिसकी मेरिट गई है 100 से 53, 53 लोवेस्ट और 100 हाईएस्ट है इसके। इसके बाद जो जनरल EWS में जो फीमेल थी, जिसकी 15 पोस्ट थी, उस पर 45 लोगों को एलिजिबल किया है, जिसकी हाईएस्ट 100 से 58 रही है। और जो इसमें SC मजबी और बाल्मीकि फीमेल्स थी, जो उसमें जो टोटल वैकेंसी थी उसकी 20 थी, और इसमें से 60 को एलिजिबल किया है, जिसकी हाईएस्ट 67 से 52 रहा है। मैंने सभी की सभी जो जो भी लिस्ट है इसकी PDF, हर कैटेगरी वाइज मैंने PDF के अंदर PDF के लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। जो SC के अंदर नेक्स्ट अगर देखें तो SC के अंदर जो मेल मजबी और बाल्मीकि के अंदर आते हैं, जो SC में उनकी जो पोस्ट थी 31 पोस्ट थी टोटल, जिसमें से 93 को एलिजिबल किया है, जिसकी हाईएस्ट 67 रही है और लोवेस्ट इसमें 51 तक गया है। इसके बाद SC में रामदासिया और अदर जो कैटेगरी है फीमेल की, उसकी जो 20 पोस्ट थी टोटल, जिसमें से 60 को एलिजिबल किया इन लोगों ने, और इसकी हाईएस्ट 93 और लोवेस्ट इसकी 60.25 रहा है। और ऐसी में रामदासी और अदर में जो ओपन जो था उसके फीमेल के अलावा, तो उसको 29 पोस्ट थी टोटल, जिसमें से 81 को इन लोगों ने लिया, और 93 इसकी हाईएस्ट रही है और 58.75 इसकी लोवेस्ट रही है। फिर जो बैकवर्ड क्लास आती है, बैकवर्ड क्लास के अंदर जो टोटल 20 यानी 20 पोस्ट थी, उसमें से 60 को बुलाया है
और अभी तक मतलब डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ बुलाना, लेकिन इन लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया है तो 60 को लिया है एलिजिबिलिटी में, और इसकी हाईएस्ट रही है 86 और लोवेस्ट इसकी 61 रही है। उसके बाद जो बैकवर्ड क्लास की जो 31 पोस्ट थी उसमें से 63 को इन लोगों ने लिया है, जिसकी हाईएस्ट 86 गई है और लोवेस्ट इसमें 60 रहा है। और जनरल ईएसएम जो सेल्फ थे उन और जो डिपेंडेंट थे उनमें टोटल ये इन दोनों की मिला के 21 पोस्ट थी, जिसमें से 43 को एलिजिबल किया है इन लोगों ने। और जो जनरल ईएसएम जो सेल्फ थे उसकी गई है 70 हाईएस्ट गई है, और लोवेस्ट इसका 2 नंबर वाला भी इसमें एलिजिबल हुआ है। और डिपेंडेंट्स में जो जनरल ईएसएम सेल्फ डिपेंडेंट्स थे उनमें हाईएस्ट गया 64 और लोवेस्ट 40 गया। ईएसएम सेल्फ जो थे जनरल ईएसएम जो अभी बताया पहले वो फीमेल का था, अभी जो नॉर्मल जो ईएसएम सेल्फ थे जनरल ईएसएम जिसकी 15 थी और 45 लोगों को इन लोगों ने पास किया या एलिजिबल किया, और इसमें से सेल्फ का जो रहा है वो 70 हाईएस्ट और लोवेस्ट 2 नंबर वाला हुआ है, और डिपेंडेंसी में 64 और 45 इसका लोवेस्ट रहा है। एससी के अंदर जो सेल्फ है मजबी एंड बाल्मीकि, ठीक है, एससी में जो मजबी और बाल्मीकि कास्ट है उसमें सेल्फ जो रहा है वो उसकी 10 पोस्ट थे 30 को पास किया है, और 49 से इसमें तो जिसने एग्ज़ाम दिया आई थिंक वो उसका हो गया, क्योंकि जो -25 वाला नंबर का था उसको भी एलिजिबल किया है इसमें। और एक बार इस इन लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया है, यानी 3 टाइम ज़्यादा लोग बुलाए हैं, 3 गुना, क्योंकि देखने को मिलता है कि पंजाब के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। रीज़न इसका ये रहता है कि वहाँ पे बहुत सारों के पास पंजाब गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ पे, या फिर कोई और रीजन से छूट जाते हैं। तो इसी टाइप से सारी जो है वो आई हुई है, जैसे एसी की अगर डिपेंडेंसी उसमें देखो आप, एसी रामदेसिया और अदर कास्ट में ईएसएमडब्ल्यू में अगर आप देखो तो उसमें 10 पोस्ट थी और 30 लोगों को एलिजिबल किया, जिसकी हाईएस्ट 50.75 रही है और लोवेस्ट 34 रहा है। उसके बाद जो बैकवर्ड क्लास में की ईएसएम जी पोस्ट थी उसमें डिपेंडेंसी में जो थे सेल्फ वालों की तो 58 से हाईएस्ट रहा है, और लोवेस्ट जो रहा है वो रहा है 11.70, और डिपेंडेंसी जो बैकवर्ड क्लास ईएसएम की डिपेंडेंसी में थे वो 53 उनका हाईएस्ट रहा है, 47 लोवेस्ट नंबर रहे हैं। और इसकी इनकी टोटल तो पोस्ट थी वो थी 10, जिसमें से 30 लोगों को बुलाया है, और जो प्रोविजन लिस्ट जो शॉर्ट लिस्ट की थी उन्हीं में से बुलाया हुआ है। उसके बाद जो जनरल स्पोर्ट्स फीमेल की 5 पोस्ट थी, जिसमें जिनमें से 13 ही लोग एलिजिबल हो पाए, आई थिंक 13 लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया होगा, 5 टाइम बुलाए हैं तो 5 टाइम यानी 15 लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो इसमें से तो जिस बंदे ने एग्ज़ाम दिया उसको बुलाया गया, उसमें हाईएस्ट 76 गया और लोवेस्ट 7.75 गया। और जनरल स्पोर्ट्स में 4 सीटें थी जिसपे 12 लोगों को बुलाया, हाईएस्ट 75 गया इसका और लोवेस्ट 37 गया। और एससी के अंदर जो मजबी बाल्मीकि जो स्पोर्ट्स में थे उसकी 3 पोस्ट थी, जिसमें भी इसके अंदर भी जिसने एग्ज़ाम दिया है उसको सभी को बुला लिया, क्योंकि इसमें ओनली एलिजिबल कैंडिडेट ही 5 ही है, तो 48.75 इसका हाईएस्ट गया, लोवेस्ट इसका 17.75 गया है। और जो स्पोर्ट्स में रामदेसिया और अदर कास्ट के अंदर जो स्पोर्ट्स था उसमें 2 पोस्टें थी, 2 पोस्टों पे 6 लोगों को एलिजिबल किया, जिसका हाईएस्ट 4.85 रहा है, 48.5 रहा है और लोवेस्ट इसका 43 रहा है। और उसके बाद हैंडीकैप्ड फीमेल में 19 पोस्टें थी जिसपे 52 लोगों को बुलाया एलिजिबल किया है, इसके अंदर भी जिसने आई थिंक -14 वाले तक का सिलेक्शन हुआ इसमें, तो 62 से -14.75 वाले कैंडिडेट को भी बुलाया है। इसके बाद जो फ्रीडम फाइटर में जो फीमेल की पोस्ट थी 5, उस पर 15 लोगों को एलिजिबल किया है, और इसकी हाईएस्ट रही है 58 और इसमें लोवेस्ट रहे 41.75।
और फिजिकल हैंडीकैप्ड की एक पोस्ट थी जिसकी हाईएस्ट जिस पे 3 लोगों को बुलाया, हाईएस्ट में इसमें 62 को बुलाया, लोवेस्ट में 53। और इसके बाद एसी स्पोर्ट्स की एक पोस्ट अलग थी जिस पे भी 3 लोगों को बुलाया और इसमें 48.75 हाईएस्ट रहा है और 47 वाला इसमें लोवेस्ट रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी, अब ये लोग जल्दी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो मैं आपको अपलोड दूंगा, अपडेट करेंगे कि किस हिसाब से कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे और क्या क्या आपको नेसेसरी होगा ले जाने के लिए। ओके, जिनका हो गया ऑल द बेस्ट, जो जो बच्चे अभी नहीं रह कर पाए हैं वो प्लीज़ स्टडी के टच में रहें, इतना टफ नहीं है ये एग्ज़ाम, आप लोग फाइट कर लोगे। ओके, ऑल द बेस्ट।